प्रांतीय राजवंशों में बंगाल, अवध और हैदराबाद के बाद मैसूर आता है। मैसूर दक्षिण भारत के वर्तमान कर्नाटक राज्य में पड़ता है। उस समय विजयनगर का विघटन के बाद, विजयनगर जब डिसॉल्व हुआ तो उसके बाद मैसूर एक अलग सा छोटा सा प्रोविंस बना। उसके राजा चिक्का कृष्णा राज थर्ड थे। इसे वडियार डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। चिक्का कृष्णा राज नाम मात्र के वहां पे राजा थे। असली पावर दो भाइयों देवराज और नंजराज के हाथों में था। ये लोग उसके रेवेन्यू और फाइनेंस दोनों देखते थे। उस समय उस राज्य का कैपिटल श्रीरंगपत्तनम था। साउथ में आप समझ सकते हैं कि 1707 यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये छोटे छोटे राज्य उदित होने लगे और 1730 तक आते आते ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन साउथ में आपको बता दें कि फ्रेंच और डच ये दोनों का बढ़ावा हो रहा था, साथ ही इंग्लिश भी। और सबसे बड़ा मुश्किल मैसूर राज यानी निजाम मैसूर के और मराठा के बीच झगड़ा चल रहा था। उस समय एक साधारण सा सोल्जर जो कि हैदर अली था, उस राज्य में 1749 में एज ए सामान्य रूप से अंगरक्षक के रूप में इसकी पोस्टिंग होती है। और उसने देखा कि जो राजा है खास करके चिक्का कृष्णा राज, ये नृत्य के काफी शौकीन थे, नाचते खूब थे, तो उसमें मशगूल रहते थे। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं और सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना सारा हाथ इसी में था। ये लोग इनके कंधे पर बंदूक रख के काम कर रहे थे। इसे देखते हुए हैदर अली ने बहुत चालाकी से हैदराबाद के निजाम के साथ टक्कर लिया, दूसरे के साथ टक्कर लिया, यानी अपने क्षेत्र को बचाने में कामयाब है। धीरे धीरे वह इतना ताकतवर हो गया कि पहले देवराज और नंजराज को अपना पोजीशन छोड़ने पर मजबूर किया और 1755 में डिंडीगुट के फौजदार के रूप में उसे पोस्ट मिल गई। डिंडीगुल को पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से और मराठों से बचा के रखने के कारण इसे तुरंत नंजराज द्वारा अपने राज्य में सेनापति बना लिया गया। वास्तविक शक्ति इनके साथ थी। अब देखिए यहां पे फिर एक समस्या आ जाता है। इनका सबसे भारी दुश्मन जो थे वो मराठा थे, क्योंकि साउथ में मराठा एक छत्र राज कर रहे थे। लेकिन जल्द ही 1761 में पानीपत हुआ, पानीपत थर्ड, और इसमें मराठे हार गए। और जैसे ही मराठे हार गए हैदर अली ने अपना मजबूत कर लिया। दूसरा, इसने फ्रांसीसियों को अपने साथ ले लिया, क्योंकि अंग्रेज ये जानता था कि अंग्रेज बढ़ने नहीं देंगे। और अंग्रेजों ने कई बार एक अलायंस बनाए, कभी मराठों के साथ जाकर कभी निजाम के साथ जाकर। इससे यह काफी दुखी था। दुखी इन द सेंस ये हुआ कि इसे अपना अलायंस बनाने में, अपना क्षेत्र बचाने में काफी मुश्किल होने लगी। यही कारण है कि हैदर अली के बीच में चार युद्ध हुए, जिसे एंग्लो मैसूर वॉर या कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें दो वॉर हैदर अली के पीरियड में लड़ा गया और दो, क्या बीच वाला जो दूसरा वार है उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलकर लड़े, और लगभग तीन टीपू सुल्तान, तो पांच नहीं बल्कि एक साथ दो हुए, टीपू सुल्तान और हैदर अली, एक हैदर अली अकेले और दो टीपू सुल्तान अकेले, तो चार वार हुए हैं। हैदर अली जो था वो जैसे ही
अपना कमांड अपने हाथ में लिया तो उसने फ्रांसीसियों से मिलकर डिंडीगुल में एक आधुनिकतम हथियार का कारखाना बनाया। अब उसे लगा कि इंग्लिश को कैसे हराएं, मराठे हार चुके थे, पानीपत का थर्ड वार्ड में मराठे हार चुके थे, तो 1767 में इसने एक ग्रुप बनाया, किसका, तो निजाम का प्लस मराठा का और प्लस स्वयं हैदर अली, ये तीनों वर्सेस इंग्लिश के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि हैदर अली को एक अच्छा सा स्टैंड मिला और ट्रीटी ऑफ मद्रास में यह किया गया कि जो क्षेत्र आपके हाथ में है वो आप रखिए, जो क्षेत्र मेरे हाथ में है वो हम रखेंगे। और इस तरीके से हैदर अली साउथ में मराठों से भी मजबूत हो गया, जो कि अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब देखिए 1761 में पानीपत हारे थे मराठे, तो साउथ में सबसे मजबूत हैदर अली हो गया। हालांकि अंग्रेज साउथ में मजबूत थे, लेकिन इसने फ्रेंच के साथ एक संधि करके और ये अपनी मजबूती बरकरार कर ली थी। मद्रास संधि का यही फल हुआ कि दोनों लोगों ने कहा कि जो जो क्षेत्र हम लोगों ने जीते थे वापस चले जाते हैं और फिर से जो जहां पे है वो वहां पे। उसी समय सर आयरकूट आया और सर आयरकूट के नेतृत्व में ये पोर्टनोवा युद्ध हुआ। पोर्टनोवा युद्ध अंग्रेजों की एक साजिश थी। क्यों? क्योंकि मद्रास संधि के बाद युद्ध न करने की बात हुई थी। चूंकि मद्रास संधि में निजाम और मराठा दोनों इनके साथ थे, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से निजाम और मराठा को अपने तरफ ला दिया। फिर हैदर अली अलग हो गए और 1773 में ये माहे को कब्जा कर लिए। माहे पुणे के नजदीक में है, माहे पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों द्वारा इस धीरे 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 जब कर्नाटक की तरफ बढ़ने के कारण फिर से सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया। 7 दिसंबर 1782 को, चूंकि इस युद्ध में बैटल ऑफ पोर्टनोवा जब हुआ, इस युद्ध में हैदर अली घायल हो गया और जब घायल हो गया तो बीमार रहने लगा और उसी से उसकी मृत्यु हुई। युद्ध क्षेत्र में ही, युद्ध चल रहा था, युद्ध क्षेत्र में ही टीपू सुल्तान को अगला सेनानायक बनाया गया और टीपू सुल्तान के हाथों में आते ही टीपू सुल्तान ने बहुत चालाकी से, बहुत स्थिरता से इस गद्दी को संभाला। इसने फ्रांसीसियों के साथ पैक्ट हुआ और 1782 से लेकर 1784 तक टीपू सुल्तान के बागडोर रही सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध। और इसमें यह ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ और ट्रीटी ऑफ बैंगलोर में यह निर्णय लिया गया कि उस समय जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और उसने कहा कि फिर से जो क्षेत्र जो लिए हैं वो अपने जगह पे आ जाए, तो फिर से वहीं पे जहां से शुरू किए थे फिर वहीं आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान का जो स्ट्रेटेजी था वो हैदर अली से अलग था। टीपू सुल्तान का एक कहावत है कि 100 साल गीदड़ की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी हो।
तो टीपू सुल्तान ने साउथ के क्षेत्र को काफी अच्छा से हैंडल किया और इसके बाद आने वाले दो वार, थर्ड बैटल थल एंग्लो मैसूर युद्ध और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ ये हुआ वो टीपू सुल्तान। हैदर अली के डेथ के बाद युद्ध में ही टीपू सुल्तान गद्दी संभालता है। हैदर अली नंजराज के कमांडर थे लेकिन टीपू सुल्तान के रूप में उसने कमांडर नहीं बना, खुद को शासक अनाउंस कर दिया और इसीलिए टीपू सुल्तान बोलते हैं। टीपू सुल्तान 1784 में ट्रीटी हुआ और इस ट्रीटी में यह लिया गया कि जो जो क्षेत्र हम लोग जीते हैं अपने अपने जगह पे चले जाएं, जैसा कि पहले हुआ था। टीपू सुल्तान 1787 में खुद के नाम से सिक्के ढलवाए, पूरे क्षेत्र को एक शासक के रूप में कब्जा कर लिया। इसने अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांसीसियों के साथ मित्रता बढ़ाई, वहां लेटर भी लिखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंटरेस्ट भी रखा था। जैकोबियन क्लब जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन पार्ट थे उसका वो सदस्य भी बना। जैकोबियन के लिए अपना कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता वृक्ष लगाया इंडिपेंडेंस का, क्योंकि वहां पे आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो वहां मतलब राजा को लुई 16 को हटाकर और एक प्रकार के मतलब डेमोक्रेसी शुरू हुआ था, पूरे वर्ल्ड ने उसे अपनाया, तो वो चीज उसने देखा। फिर आदि गुरु शंकराचार्य को जो श्रृंगेरी के मठाधीश थे उनको मंदिर को रिपेयर करने के लिए पैसे भी दान दिए। फिर अपने साम्राज्य में जितने कलेक्शन होते थे, गलत कनेक्शन, इलीगल कलेक्शन को, टैक्सेस को रोक दिया। इसने एक और काम किया कि जैकोबियन क्लब के मदद से इसने मॉडर्न तरीके से लड़ने वाले एक बहुत सारे हथियार, आज भी आप लंदन लेबोरेटरी में जाइएगा तो एक बाघ है जो देखने में सिंपल बाघ है लेकिन वो मशीन से चलने वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक गन, ऑटोमेटिक ये गन का मतलब कि तीर छोड़ता था, पॉइजन लगे, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए जो कि मतलब फ्रेंच के सहयोग से, चूंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट इस पे ये पड़ा कि वो उसको यूज नहीं कर सका और वहां से मदद नहीं मिल सकी, तो टीपू सुल्तान कमजोर पड़ा। जैसे ही ट्रीटी हुई तो उस ट्रीटी के बाद आने वाले अंग्रेज ने एक पैक्ट बनाया और अंग्रेजों ने जो मराठा टीपू के साथ में थे, जो निजाम टीपू के साथ में थे यानी कि फ्रांसीसियों के साथ था, उसे अंग्रेजों ने अपने साथ लिया और इन तीनों के बीच में जनरल मिंडोज के अध्यक्षता में थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर में चूंकि टीपू चारों तरफ से घिर गया और उसे मजबूरी में उसके कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में ट्रीटी करनी पड़ी 1792 में। इससे पहले तक जितने ट्रीटी हुए उसमें जीते हुए चीज को वापस कर देना पड़ा लेकिन इसमें टीपू के जितने भी एरिया थे आधे हिस्से इंग्लिश के पास चले गए और टीपू के दो बेटों को अंग्रेजों ने रख लिया बंधक के रूप में और कहा कि जब 3 करोड़ रुपया युद्ध में जो हानि हुई है अगर दोगे तो तुम्हारे बेटे को हम छोड़ेंगे। अब टीपू पूरी तरह से निराशा हो गया क्योंकि 3 करोड़ न जुटा पाता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांसीसी पूरी तरह से फ्रांसीसी जो थे वो असहाय हो गए क्योंकि वहां अपने में व्यस्त थे तो इन्हें मदद नहीं कर पा रहे थे और इस कारण से टीपू की हालत खराब हो गई। तब उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल बन के आया वो था ये लॉर्ड विलेजली और विलेजली जब आया तब उसने टीपू पर दोबारा आक्रमण किया और दोबारा आक्रमण के समय 1799 जैसे फोर्थ बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं यानी फोर्थ एंग्लो
मैसूर युद्ध, और यह अंतिम युद्ध रहा लॉर्ड वेलेसली ने बिना किसी सूचना के श्रीरंगपट्टनम पर अटैक कर देता है और सोए हुए टीपू के ऊपर आक्रमण करता है और उसे उसकी हत्या कर देता है, और इसके साथ ही मैसूर राज्य जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो ये प्रश्न आएंगे कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, चार हुए, जिसमें दो हैदर अली और एक एक हैदर अली अकेले, दो हैदर अली और टीपू सुल्तान एक, और दो अकेले टीपू सुल्तान ने लड़ा। हालांकि सच पूछिए तो फर्स्ट और सेकंड में हैदर अली और टीपू की जीत हुई, थर्ड में उसके बेटे जो थे वो बंधक बना लिए गए और फोर्थ में टीपू मारा गया। इसके साथ ही मैसूर राज अंग्रेजों के हाथ में चला गया। चलो।